हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हेयर स्पा करने से होता क्या है। हेयर स्पा करने से हमारे बाल सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बनते हैं और साथ ही साथ बालों के झड़ने और दो मुंह की समस्याएँ भी दूर होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ मैं क्रीम अप्लाई करने के लिए एक ब्रश ले रही हूँ, एक टेल कॉम, एक क्लीन बाउल, स्पा क्रीम, सीरम एंड कुछ क्लेचर्स। हेयर मास्क के लिए मैं यहाँ मैट्रिक्स ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथिंग मास्क ले रही हूँ, जिसमें सिया बटर है। सिया बटर हमारे बालों की काफ़ी समस्याएं दूर करता है। सिया बटर में मौजूद फैटी एसिड सिर की त्वचा और बालों को नमी देता है, बालों को स्ट्रेट रखता है, बालों को झड़ने, दुमुंह और डैंड्रफ की समस्याओं को भी दूर करता है। सीरम में मैट्रिक्स ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल स्प्लिट इंड सीरम सिया बटर। क्रीम हमें अपने हेयर के लेंथ और थिकनेस के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग 3 चम्मच क्रीम ले रही हूँ और इसमें 3 वफ सीरम मिला रही हूँ। इन दोनों को मिला के अच्छे से मिक्स करना है। मैं शैम्पू और कंडीशनर भी मैट्रिक्स का ही यूज़ करती हूँ। इसमें सिया बटर होते हैं तो इससे बाल स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनिंग रहते हैं। मैंने शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लिया है, अब मैं एक कॉम से अच्छे से कॉम कर लूंगी। देन एक टॉवल लेके अपने कपड़े को कुछ इस तरह से कवर कर लेंगे। सबसे पहले बालों में मिडिल पार्ट से एक पार्टीशन करेंगे और एक साइड क्लेचर लगा के छोड़ देंगे। दूसरी साइड हम क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम हमें लेयर में अप्लाई करना है, बालों के पतली पतली लेयर लेना है और उसमें क्रीम अप्लाई करना है। लेयर में अप्लाई करने से क्या होता है कि क्रीम सारे बालों में अच्छे से लग जाता है। अच्छे से क्रीम अप्लाई करने के बाद टेल कॉम से हमें कॉम कर लेना है ताकि हमारे एक एक बालों में क्रीम लग जाए। और क्रीम लगाने के बाद उसमें क्लेचर लगा दीजिए और सेम प्रोसेस से दूसरी साइड हमें क्रीम अप्लाई करना है। सारे बालों में क्रीम अप्लाई करने के बाद सारे बाल को लेकर ऊपर साइड में कुछ इस तरह क्लेचर लगा लेना है ताकि बाल के इंड्स जो हैं ऊपर आ जाएं और क्रीम जो बची हुई क्रीम है उसे अप्लाई कर लेना है ताकि सारे बालों में अच्छे से क्रीम अप्लाई हो जाए। क्रीम अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मसाज करना है, फिर एक पॉलीथीन लेना है और अपने बालों को कुछ इस तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब बालों में स्टीम देना है। स्टीमिंग के लिए मैं यहाँ हेयर ड्रायर ले रही हूँ, उसे पॉलीथीन के ऊपर से ही लगा रही हूँ चारों तरफ अपने बालों के, और इसे डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो ये स्टीमिंग का एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका दूसरा तरीका भी है मेरे पास।
एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक टॉवल लेना है, और टॉवल के दोनों एंड्स को पकड़कर टॉवल को गर्म पानी में भिगा लेना है। उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। पॉलीथीन निकाल कर अब इस टॉवल से बालों को अच्छे से लपेट लेना है। ऐसा कम से कम 3 बार करना है। स्टीमिंग से बालों के जड़ों के पोर खुल जाते हैं और बालों को दिया गया पोषण उसे आसानी से मिल जाता है। उसके बाद गुनगुने पानी से हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू और कंडीशनर नहीं यूज करना है। अभी मैंने गुनगुने पानी से हेयर वॉश कर लिया है। अभी मैं हेयर ड्रायर लगा रही हूँ। ऐसे मैं हेयर ड्रायर नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी जल्दी सुखाना है इसलिए मैं हेयर ड्रायर लगा रही हूँ। अभी मुझे मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट एंड शाइनी लग रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब शैम्पू विद कंडीशनर करेंगे तो और भी स्ट्रेट, सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे। आफ्टर शैम्पू हमें हमेशा कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। कंडीशनर अप्लाई करने से हमारे बाल रूखे, ख़राब और घुघराले नहीं होते हैं और बालों में हमेशा शाइनिंग बना रहता है। अभी मैं एक बफ सीरम ले रही हूँ और अपने बालों में कुछ इस तरह डैप मोशन में लगा रही हूँ। सीरम जो है बालों में ही अप्लाई होता है, जड़ों में अप्लाई नहीं होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।